बात है कि आपने अपना कीमती समय जब सोकर बिता सकते थे, शरीर को आराम देकर बिता सकते थे, यहाँ गर्मी में बैठकर मुझे सुन रहे हैं। जब भी महाराज साहब के पास जाती थी, कोई भी साधु साध्वी भगवान के पास जाती थी ना, चाहे वो दूसरे समुदाय के भी, अपने समुदाय के, अपने समुदाय वालों को तो चलो पता ही है, दूसरे समुदाय वाले लोगों को या दूसरे स्टेट वाले लोगों को ये भी नहीं पता होता था कि पंजाब में जैन धर्म है। एक बहुत ये सोचने वाली बात है कि लोगों को पता ही नहीं है कि पंजाब में भी जैन होते हैं। ये जब प्रश्न मेरी जिंदगी में मेरे सामने आया दो, तो एक चीज तो ठान ली थी कि जो गुरु आदम और जो गुरु वल्लभ ने किया है ना, वो सबको याद तो कराना ही है। जो गुरु आदम और जो गुरु वल्लभ ने दिया है वो सबको याद कराना है। पूरे भारत में जिनके नाम का डंका बजता था, आज उनके नाम को पहचानता भी नहीं है। ऐसे आदम और ऐसे वल्लभ के बारे में नई पीढ़ी और जन जन तक तो बात पहुंचानी है कि उनके उपकार क्या है। आज हम उनके प्रति, आज हम गुरु आदम और गुरु वल्लभ के प्रति इतने ना शुक्र हो गए हैं कि उनकी दी हुई हमारी, हमें जो देन है मंदिर और गुरुकुल और उपाश्रय, आज हमारा मन नहीं करता उनकी सीढ़ियां चढ़ के जाने। हम थिएटर में जाने को ललायत होते हैं, होटल में जाने को, रेस्टोरेंट में जाने को ललायत होते हैं। जब लॉकडाउन था लोग हाय हाय कर रहे थे, हम घर से बाहर नहीं निकले, हमने घर बाहर का खाना नहीं खाया, किसी को ये नहीं था कि मंदिर पाश्रय बंद हो गया। हाँ, बहुत कम लोगों को था, पुरानी पीढ़ी को था, जो रोज पूजा सेवा कर रहे थे और कई सालों से कर रहे थे, पर नई पीढ़ी को कोई फर्क ही नहीं था कि मंदिर और उपाश्रय बंद हैं, हम साधु साधु भगवत के दर्शन नहीं कर सकते, उनका प्रवचन नहीं सुन सकते और मंदिर में पूजा नहीं कर सकते, मंदिरों में ताले पड़े हुए हैं, किसी को नहीं था। वो गुरु आत्म और गुरु वल्लभ की देन है कि आज हम इस परिसर में बैठे हैं। ये जो परिसर है ये भी उनकी ही देन है। अगर दूर से देखा जाए तो, अगर हम जैन ही ना होते तो ये परिसर कैसे खड़ा करते, अगर हम जैन ही ना होते तो ये परिसर कैसे खड़ा करते। वो तो थे गुरु आदम जो हमें जैन बना गए और वो थे गुरु वल्लभ जो हमें संभाल गए। वो थे गुरु आदम जो हमें जैन बना गए, वो थे गुरु वल्लभ जो हमें संभाल गए। बस ठान लिया था कि कैसे भी करके गुरु आदम और गुरु वल्लभ का नाम रोशन करना है, जन जन तक उनके बारे में पहुंचानी है बातें और उनकी जीवन कथा हर एक के दिल में बस जाए, इस तरह से सबको जीवन कथा सुना। जैसे ईशान मैंने बताया 2016 में गुरु भगवान की निशा मिली, साध्वी जी का सानिध्य मिला, पर उससे कुछ पीछे जाते हैं तो मैं कुछ ही साध्वी जी का नाम लूंगी जिन्होंने मुझे धर्म के संस्कार दिए, जिनका बीज मेरे अंदर था। वो थे साध्वी श्री निर्मला श्री जी महाराज साहब, जिनके चरित्र से तो आप सब को ही वाकिफ है। दूसरे थे साध्वी श्री रत्नशीला श्री जी महाराज साहब, उनके साध्वी श्री तत्वदर्शिता श्री जी महाराज साहब और भव्यदर्शिता श्री जी महाराज साहब। मैं बिल्कुल छोटी सी थी, मुझे मस्ती जैसे मैंने बताया करने का बहुत शौक था, और रत्नदर्शिता महाराज साहब जिनका कालधर्म हो चुका है वो गोद में बिठा के मुझे सूत्र याद कराते थे, अपने पट्टे पे बिठा के सूत्र याद कराते थे। समय बीता, धर्म के संस्कार भूल गए, संसार के रंगों में रंग गई, फिर गुरुदेव आए, वो बीज जो अंदर पड़ा था उसमें अपने प्रवचनों की खाद और पानी डाला, और धीरे 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 गुणगी मैया कल्पज्ञा श्री जी महाराज साहब, वारी सेना श्री जी महाराज साहब, रत्न कल्पा श्री जी महाराज साहब और अध्यापिका श्री जी महाराज साहब, इन चारों के स्नेह ने, लाड ने, शिक्षा ने आज मुझे आपके सामने बिठा दिया। जो वैराग्य के संस्कार, जो वैराग्य उनके अंदर देखा, बस ये हो गया कि मुझे भी ऐसा ही वैराग्य वासित बनना है, मुझे भी ऐसा ही जीवन जीना है, मुझे भी
जवाब चाहिए, मुझे उनकी एक वंशा जवाब बनना है, बस ये ठान लिया। समय बीतता गया, कमियां सुधरती गई, कमियां आज भी हैं सुधर जाएंगी, पर एक विश्वास के गुरु बैठे हैं, मेरे गुरु बैठे हैं, वो जानते हैं सब कुछ, वो सुधारेंगे मुझे। मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ, मैं तो शायद उनके लिए परफेक्ट शिष्या भी नहीं हूँ, पर फिर भी एक है कि मुझे उनके लिए परफेक्ट बनना है, कि मुझे उनके लायक बनना है, मुझे उनके ही नहीं, मुझे पूरी पाठ परंपरा के लायक बनना है, मुझे गुरु विजयानंद जी के लायक बनना है, कि कल को जब भी मेरा नाम लिया जाए तब लोगों को वो कि उनकी पाठ परंपरा कितनी जबरदस्त होगी, कि उनकी सादगी ऐसी। ये एक छोटी सी भावना दिल के लेकर चलती है, मुझे नहीं पता मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगी कि नहीं, पर इतना जरूर जानती हूँ कि अगर यहाँ पे बैठे जन जन का मुझे आशीर्वाद मिलेगा ना, दिल से अगर एक क्षण के लिए भी आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया कि तो बहुत अच्छा संयम पाल लेगी। मुझे पता है चाहे जितनी मर्जी प्रतिकूलता है, आपका वो आशीर्वाद मेरे आगे ढाल बन के मुझे बचाएगा, मेरी सुरक्षा करेगा। वो आप सबका चाहेंगे, छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे सबसे सब के बड़े क्यों ना हो, चाहे नौजवान क्यों ना हो, चाहे मेरे उम्र क्यों ना हो, अगर उनके मन से मेरे लिए थोड़ा सा भी आशीर्वाद निकल गया या थोड़ा सा भी मैंने उनके मन को प्रसन्न कर दिया, तो मेरे संयम जीवन में मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई तकलीफ आएगी, आएगी भी तो आपका आशीर्वाद मुझे बचाएगा। इस समय दौरान जो जिसको वैराग्य का जीवन कहते हैं, बहुत उतार चढ़ाव, उथल पुथल सब थी, पर वो शांत हो गए, सिर्फ चिंता में वासना दादा के सामने से पिछले साल चातुर्मास किया, एक अंदर ही अंदर होती गई कि नहीं बस अब संयम के बिना नहीं रहना, बहुत समय हो गया, अब संयम के बिना नहीं रहना, संयम दो संयम दो संयम दो संयम दो। गुरु भगवंत को बताए, गजाधिपति भगवान जी परेशान हो गए थे, वो जब भी मेरा मुंह देखते मैं 15-15 दिन उनके आगे सिर्फ इसी इंतजार में बैठी रहती कि साहब जी अब बोलेंगे कि तुम मुहूर्त लेने आ जाओ, साहब जी अब बोलेंगे मुहूर्त लेने आ जाओ, पर साहब जी कहते थे कि मैंने अभी विचार। वो हताश होके वापस आती, फिर अगले दिन यही सोचने लग जाती अब गुरुदेव को कब मिलूंगी, कि कब उनसे दोबारा मुहूर्त के बारे में पूछूंगी। वे शर्मों की तरह पूछने भी जाती थी और उनका वही जवाब सुन के वापस आ जाती थी। फिर गुरुदेव ने एकदम से, जिसको कहते हैं ना आदमी व्यक्ति ही सरप्राइज देने का सोचता है, तो वो गुरुदेव वो परम उपकारी, उन्होंने मुझे सरप्राइज दिया। एक दिन में उन्होंने बोल दिया अगले दिन आपको मुहूर्त लेने आना है, घर में माहौल एकदम से घबराहट का, करेंगे क्या, हमें तो कुछ पता भी नहीं है, बस साधु जी भगवंतों का आशीर्वाद, गुरु भगवंतों की कृपा के धीरे 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 सारे काम होने के बाद कल दीक्षा का दिन भी आ गया। उसमें भी मैं विशेष कर हमारे साधु भगवंत मौन आराध्य सेवा भावी विश्वेंद्र विजय जी महाराज साहब का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी, कि जो दीक्षार्थियों के फंक्शन होते हैं ना, वो ज्यादातर 3 दिन 5 दिन 8 दिन चलते हैं। मेरे जो फंक्शन थे ना ईशान भाई, मेरे जो फंक्शन थे वो 17 दिन चले, संयम के 17 दिन। बड़वादा में उन्होंने स्नातक पूजा पढ़वाई, नहीं बिछावनोकरम उन्होंने वचना का वरघोड़ा निकलवाया, बहुमान करवाया, गुरु वल्लभ की भूमि जन्मभूमि से मुझे आशीर्वाद दिलवाया कि मैं वैसे संस्कार लेकर आगे बढ़ूं, और धीरे धीरे उन्होंने प्रेरणा दी ऐसे करना, अभी प्रभु भक्ति का समय है और कुछ नहीं करना, प्रभु भक्ति करना, क्योंकि द्रव्य से भक्ति अभी कर सकती हो। तो उन्होंने कहा सब जगह जाके ना स्नातक पढ़ा लेना, सुंदरनगर से शुरुआत हुई, हमारे हनुमानी जी दिखाई नहीं दे रहे थे कहाँ है, हमारे हनुमानी जी वो खड़े, उन्होंने स्नातक पूजा की पहल ली, उन्होंने कहा कराऊंगी मैं, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करनी, जो करना है साहिब जी के एक आशीर्वाद से उन्होंने सारा कुछ कराया। फिर सभी में हर्षोल्लास बढ़ता गया, प्रभु भक्ति का इतनी कृपा हुई, रोज स्नातक सबके फोन आने लगे, हमें स्नातक पढ़ा लिया, हमें समय दो, हमें समय दो। मुझे भी छावे तो प्रभु कहना पड़ता था कि प्रभु परमात्मा की भक्ति के लिए मैं ना कर रही, समय नहीं था। लोग
लोग बोलते थे शॉपिंग कर लो, मैं मम्मी को बोलती थी आप ऑनलाइन पिक्चर्स भेज दो मैं सिलेक्ट कर लूँगी, और मैंने सारी शॉपिंग ऑनलाइन की, सारी शॉपिंग मम्मी ने फोटो भेजी बाजार से, मैंने सिलेक्ट कर ली और वही पहनी। इतना उनका उपकार के हर मंदिर में, लुधियाना के लगभग हर मंदिर में, हर छोटे एरिया के लोगों से मुझे आशीर्वाद मिला, जो मुझे घर पर तो आशीर्वाद देने नहीं आ सकते थे, पर उन्होंने वहाँ पर मुझे आशीर्वाद देने के लिए बुलाया कि हमारी बेटी संयम ले रही है, हमने उसको आशीर्वाद दिया। मैं बहुमान नहीं कहूँगी, मैंने पहले दिन से ही कहा कि वो मेरा बहुमान करवाने मुझे बुलाते थे, अगर वो बहुमान ना भी करते तो उन्होंने मुझे सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए बुलाया कि मैं संयम जीवन में आगे बढ़ूँ, मैं इसीलिए उनकी कर्जदार हूँ। संयम जीवन सब कहते हैं बहुत मुश्किल, आप करोगे कैसे? जब मुझे सब पूछते ना आप कैसे हो, आप कैसे जियोगे, आप संयम कैसे पाल पाओगे, तब ना मैं उनको एक जवाब देती हूँ कि जब एक लड़की या लड़का जवानी में होता है, खेलकूद करता है, एकदम से उसकी शादी होती है, उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है, तो जब वो खेलकूद करता था उसको अपने माँ बाप का जीवन बहुत कठिन लगता था कि मेरी माँ सारा दिन इतना काम करती है, बेटी को ये लगता था मेरी माँ सारा दिन इतना काम करती है मैं कैसे कर पाऊंगी, बेटी को लगता था मेरे पापा फैक्ट्री में इतनी देर काम करते हैं मैं कैसे कर पाऊंगा, पर जब वो जिम्मेदारी उसके ऊपर आती है कुछ वक्त के लिए उसको डिफिकल्टी महसूस होती है, कठिनाई महसूस होती है, पर बाद में वो उसकी रूटीन बन जाती है। बस इसी तरह से मेरे साथ होगा, मैं संयम में जाऊंगी, पहले पहले समय में मुझे डिफिकल्टी महसूस होगी पर फिर वो मेरी रूटीन बन जाएगी और मुझे सांसारिक जीवन डिफिकल्ट लगने लगेगा कि ये कैसे जीते हैं, इतने दुखी कैसे, सबको बाहर का दुख दिखता है कि बाहर की तकलीफ दिखती है, आप नंगे पांव धूप में चल रहे हो, आपके पैर चल रहे होंगे, आपके ऊपर गर्मी पड़ रही होगी, पर अब हमारे अंदर का परम सुख वो तो हम ही जानते हैं। जब आप साथी जी के पास एक दिन बिताओगे ना, साधु भगवान के पास एक दिन बिताओगे, आपको भी यहाँ पे तो कोई टेंशन ही नहीं है। बहुत सारी लेडीज ये कहती हैं कि हम तो घर से पास के आते हैं ना, हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमें कोई टेंशन ही नहीं होती, क्यों? वहाँ का वातावरण ही ऐसा है। बस ऐसे वातावरण में, ऐसे प्रभु वीर के शासन में, ऐसे प्रभु वीर की दीक्षा में जाती हूँ, उसकी खुशी का, उसके आनंद का कोई मोल ही नहीं है कि जिनके शासन में अंकल जी मैं जा रही हूँ। आज मैं आपका बहुत धन्यवाद करूंगी कि आपने गुरुदेव से जबरदस्ती लिया अम्बाला में दीक्षा करवाने का, कि गुरु इंद्र की समाधि मंदिर में मुझे गुरु इंद्र का आशीर्वाद मिले, माणिभद्र वीर जी का आशीर्वाद मिले, और आज गुरुदेव ने भी रचाधिपति श्री धर्मधुरंधर श्री शिव जी महाराज साहब ने भी मुझे पावन कर दिया अपने मुख से मेरा नाम लेकर, उनके मुख से मेरा नाम निकला संसारिक नाम, मैं पावन हो गई और कल परम पावन हो जाऊंगी जब वो मेरा नाम बदलेंगे और मुझे नया नाम देंगे। परम पावन जो परिस्थिति का अनुभव उस समय मैं करूंगी। आप सब श्री संग वाले बैठे हैं, कुछ मेरे बहुत करीबी हैं, कुछ की गोद में मैं खेलती हूँ, कुछ के साथ मैंने झगड़ा भी किया है, कुछ के साथ मैंने लड़ाई भी किया, कुछ के साथ प्यार भी किया है, सबके साथ कुछ ना कुछ तो मेरा संबंध है ही, तभी आप यहाँ बैठे हो। इसीलिए सबसे एक ही विनंती, कोई आत्मा धर्म करता हो उसको ताना नहीं मारना, कोई आत्मा धर्म करने के लिए कह रहा हो कि मुझे करने दो उसको रोकना नहीं, और कोई आत्मा धर्म नहीं करता हो उसको प्रेरणा देना, ये तीन काम आप कर लेना, कोई करता हो उसको ताना नहीं देना, क्योंकि क्या पता आपके ताना देने की वजह से उसने मंदिर दर्शन छोड़ दिया, आपके टोकने की वजह से क्या पता उसके दीक्षा के भाव वही दब गए हो, और खुद तो धर्म करना ही है, मोक्ष तक तो जाना ही है, ये तो सोचना ही नहीं कि मोक्ष किसने देखा, देखा है परमात्मा ने तभी कहा है, हम तो ये दीवार के पार नहीं देख सकते, उन्होंने पूरा समग्र जहान देख लिया है, उन्होंने मोक्ष देखा है तो जरूरी नहीं कि मुझे दिखे, पर मुझे मोक्ष पाना है यही अभिलाषा यहाँ बैठे जन जन के मन में होनी चाहिए। दीक्षा के भाव होना हो, आज आपके मन में दीक्षा के भाव होना हो, आप मनोरथ भाव के नाम हो कि मुझे कब दीक्षा मिले, मुझे कब दीक्षा मिले, पर एक मनोरथ तो आपने रात को सोने से पहले भाना ही है कि मैं कब इस पाप में संसार को छोड़ू और कब मैं मुमुक्षु
इच्छा रखता है और कब मैं मोक्ष पा जाऊं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि कल दीक्षा का समय भी जल्दी का है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने सब बैठे हैं वो सब मुझे दीक्षा के समय पे मेरी विधि देख लें कि किस तरह से परमात्मा के आगे मुझसे विधि करवाई जाएगी, किस तरह से मुझे रजो हरण मिलेगा और किस तरह से मेरा वेश बदला जाएगा, मेरा मुंडन होगा और किस तरह से मैं प्रभु वीर की साध्वी बनूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप जन जन को देखने के लिए बधाए, इसलिए मैं अपनी बात का यहीं पे एक छोटी सी बात से विराम दूंगी कि और किसी के उपकार याद करो ना करो, अपने माँ बाप के उपकार याद करो ना करो, पर उस गुरु वल्लभ और उस गुरु आत्म के उपकार को जरूर याद रखना जिनकी वजह से आज तुम यहाँ हो। उस वल्लभ को याद रखना जो गुजरांवाला से सब पंजाबियों को इकट्ठा करके लाए, सब गुजरांवाला पाकिस्तानी पंजाबी खाली होकर आए थे, किसी के पास एक रोटी खरीदने के पैसे नहीं थे, गुरुदेव ने उनको गुजरात और महाराष्ट्र से पैसे दिलवा कर उनकी जिंदगी की गाड़ी चलवाई थी, उनका इतना प्रतिकार हुआ था, उनका इतना बहिष्कार हुआ था, उनका इतना विरोध हुआ था उस मामले में कि आज बड़े बड़े आचार्य भगवान कहते हैं कि जिस वल्लभ का हम विरोध करते थे ना, आज उसी वल्लभ को हम अनुसरण करते हैं। बस माँ बाप के उपकार एक वक्त आप चुका पाओगे पर उस आत्म और वल्लभ का उपकार नहीं चुका पाओगे जिसके कारण आज आप यहाँ हो और मैं यहाँ हूँ। आज मैं अपने इस छोटे से वक्तव्य को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि जब मुझे आशीर्वाद दोगे कि दीप्ति या जो भी मेरा नाम बदला जाएगा कि तू संयम में बहुत आगे बढ़, तू बहुत आगे बढ़, तू बहुत आगे बढ़ और तू जल्दी मोक्ष में जा, बस इसी के साथ जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो और मैं अपने पूरे परिवार से यहाँ बैठे हुए श्री संघ जितने भी श्री संघ हैं सभी के मेंबर्स से या जिसको भी मैंने कटु वचन कभी भी बोला हो, मैं पहले बता चुकी हूँ थोड़ा खिसका हुआ है, ये थोड़ा खिसका हुआ है, जल्दी सेट हो जाएगा, थकावट के कारण थोड़ा सा खिसका हुआ है, बस मैं सभी से हाथ जोड़ के और ये दिखावा लिए स्टेज पे नहीं है, आप मेरे को पर्सनली मिलोगे तो भी मैं हाथ जोड़ के पैरों को हाथ लगाकर ही आपसे माफी मांगूंगी कि इस नादान बच्ची को, इस बेवकूफ बच्ची को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करके माफ करके इसके संयम जीवन के लिए हमेशा हमेशा